दोस्तों आदाब, मैं इरशाद राही। जैसा कि आपसे वादा था कि मेरी मोहब्बत दर्द जाम की कहानियों का एक सिलसिला शुरू किया है। एक पार्ट मैंने आपको सुनाया था, उसका दूसरा पार्ट ये है कि उधर राज गांव छोड़कर शहर चला जाता है काम की तलाश में। इधर जानवी के फादर की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जैसा कि आपको मालूम है कि उसकी माँ बीमार रहती है, हार्ट पेशेंट है। अब जानवी का इस दुनिया में कोई नहीं, वो बिल्कुल तन्हा और अकेली रह गई। किसी के सर के ऊपर से अगर बाप का साया उठ जाता है तो वो इंसान अपने को कितना असहाय महसूस करता है। लेकिन ये जानवी की हिम्मत ही थी कि वो अपने पूरे परिवार को समेट कर अपने पिता के कारोबार को भी आगे बढ़ा रही थी। लेकिन इसी के साथ साथ कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता था जब वो राज को याद न करती हो और उसकी याद में उसकी आँख से आंसू न निकलते हों। कभी कभी वो बहुत मायूस हो जाती तो कमरे में जाकर तकिया पे मुंह छुपाकर सिसक सिसक कर रोती थी। मेरा चाहने वाला लौट कर आएगा या नहीं आएगा, यही बात उसके मन में जन्म लिया करती थी। उसने न जाने कितनी मन्नतें मांगी, न जाने कितनी दुआएं की अपने भगवान से, न जाने कितने दरों पर जाकर माथा टेका। फिर एक दिन एक करिश्मा होता है, उसकी दुआ कबूल होती है और उसका चाहने वाला उसके द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। एक बड़ी सी कार है, धूल उड़ाती हुई आ रही है। गांव के लोगों ने वो कार को पहली बार देखा है, इतनी बड़ी कार। उससे एक नौजवान उतरता है, एक शोर मचता है कि देखो देखो कौन आया है। जब जानवी और उसकी माँ बाहर निकल कर आती हैं तो देखती हैं कि राज अपने गांव लौट कर आया है और वो जानवी से मिलने आया है। जानवी का खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता, लेकिन उसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। राज उसे सीने से लगाता है और कहता है, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमको लेने आया हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो चुकी है, मैं एक बहुत बड़ा सिंगर बन चुका हूँ। अब मैं तुमको भी यहाँ से ले चलूँगा और माँ जी को भी यहाँ से ले चलूँगा और माँ जी का शहर में एक बड़े और अच्छे अस्पताल में उनका मैं इलाज कराऊँगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब तुम्हें किसी तरह की कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ जानवी उसकी माँ उसे अंदर ले जाती हैं और गांव के लोग ये मंज़र देखकर बहुत खुश होते हैं और ज़ोरदार तालियों से राज का स्वागत करते हैं। दोस्तों बताइएगा ज़रूर ये कहानी आपको कैसी लगी। इसके बाद एक दूसरी कहानी आपके लिए लेकर आऊँगा इसी शीर्षक के साथ, मेरी मोहब्बत दर्द जाऊँ। अपना बहुत ख्याल रखिए।